हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट फॉर क्लास फिफ्थ. दिस इज़ योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सिक्स चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ओके, आज हमारा टॉपिक क्या है? जेंडर. आज हम आपको बताएंगे जेंडर के बारे में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनकी जो डेफिनेशंस है इनको देखिए. नाउन्स यूज्ड फॉर फीमेल्स आर ऑफ द फेमिनिन जेंडर. एग्जाम्पल ग्रैंडमदर, मदर. जो हमारा फेमिनिन जेंडर होता है वो सभी किसके लिए यूज होता है? फीमेल्स के लिए. ओके, चाहे वो ग्रैंडमदर हो या मदर हो या हमारा क्या होता है जिसमें लॉयनेस हो, गर्ल हो, ये सभी हमारे फेमिनिन जेंडर में आते हैं. नाउन यूज्ड फॉर मेल्स, जो मेल्स के लिए यूज होता है वो हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है. एग्जाम्पल्स हैं इसके ग्रैंडफादर, ब्रदर. ओके, नाउन्स दैट डू नॉट टेल अस Either the person or animals being referred to is the masculine or feminine gender or the common gender. Example, cousin, guest, pet, pet. जैसे इसमें ये बताया गया जिन जेंडर के बारे में पर्टिकुलर हम आइडेंटिटी नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कज़न. अब हमारा कज़न तो कोई भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, मतलब कज़न सिस्टर भी हो सकती है, कज़न ब्रदर भी हो सकता है. यहाँ पे लेकिन सिर्फ ओनली कज़न मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा. ओके, नाउन यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स ऑफ द न्यूट्रल जेंडर. जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनके लिए वो हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सैंड कस्टल और बुक्स, ये हमारे किस में आती है? न्यूट्रल जेंडर में. ओके, रीड द एग्जाम्पल्स एंड राइट टू मोर वर्ड्स ऑफ द सेम जेंडर. अब आपको क्या लिखना है? रीड द एग्जाम्पल्स एंड राइट, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं, राइट टू मोर वर्ड्स द सेम जेंडर. जैसे मैस्कुलिन में हमारा मैन, लॉयन, पीकॉक. इसके आगे आपको क्या लिखना है? इसके आपको आगे और भी दो वर्ड्स लिखने दिए हैं, मोर वर्ड्स. ओके, टू मोर वर्ड्स. फेमिनिन में आपका हो गया गर्ल, लॉयनेस, मदर. इसके आगे भी आपको टू वर्ड्स लिखने हैं. ओके, कॉमन में आपका चाइल्ड, पीफॉल, बेबी. इसके आगे आपको दो वर्ड्स लिखने हैं. न्यूटर में आपका हो गया बुक, पेन, चेयर, बॉक्स. इसके आगे आपको दो वर्ड और लिखने हैं. ओके, अब जैसे कि कॉमन चाइल्ड, फेमिनिन में आपका डॉटर हो गया, मैस्कुलिन में आपका सन हो गया, लेकिन इन दोनों का जब कॉमन जेंडर होगा तो चाइल्ड हो जाएगा. इसी तरीके से सिस्टर फेमिनिन हो गया, मैस्कुलिन आपका ब्रदर हो गया, लेकिन सिबलिंग आपका क्या हो गया? कॉमन हो गया. मदर आपका फेमिनिन हो गया, मैस्कुलिन आपका फादर हो गया, और पेरेंट्स आपका कॉमन हो गया. ओके, अब नेक्स्ट हमारा देखिए. लुक एट द वर्ड्स इन द कलर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इन दे आर ऑल नाउन्स ऑफ द कॉमन जेंडर. वी आर एक्सपेक्टिंग गेस्ट, रिलेटिव्स, विजिटर्स फॉर डिनर. द स्टूडेंट्स, पीपल्स, लर्नर्स आर प्रिपेयरिंग फॉर ए टेस्ट. आई वुड लाइक टॉक टू द टीचर्स, कोच, इंस्ट्रक्टर. ए बसलोड ऑफ टूरिस्ट, ट्रेवल्स, एक्सप्लोरर्स अराइव्ड एट द कैफ. ये हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं, क्योंकि आप इनको किसी भी तरीके से ये आइडेंटिटी नहीं कर सकते, ये फेमिनिन है या मैस्कुलिन है. ओके, नाउन्स लाइक फॉक्स, हॉर्स एंड डियर आर द कॉमन जेंडर. वी आल्सो रिफर टू एनिमल्स बाय नाउन ऑफ द फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर. शो इज द फेमिनिन जेंडर एंड वोर इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ एनिमल्स लाइक पिग, वियर, हेडजहॉग एंड जेलीफिश. ये हमारे किस में आते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में. काउ इज द फेमिनिन जेंडर एंड वल इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ एनिमल्स लाइक कैटल, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, जिराफ एंड हिप्पोपोटामस. ये सभी हमारे किस में आते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में. जैनी और जिल इज द फेमिनिन जेंडर एंड जैक इज द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ एनिमल्स लाइक डंकी एंड रैबिट. यहाँ पे कुछ दे रखे हैं कॉमन जेंडर, जैसे फॉक्स. फॉक्स हमारा कॉमन में आता है, और फेमिनिन में हमारा आता है वैक्सीन, और मैस्कुलिन में हमारा फॉक्स आता है. ओके, हॉर्स हमारा मेयर, स्टैलिन, और डियर का डो और बक, डक का डक और ड्रैग, सीप का ए और रैम, और पी हॉल का पी हैन और पीकॉक. ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अब हम आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जो एज अ होमवर्क आपको करनी है. ओके,
इसमें क्या है, देखिए राइट द जेंडर ऑफ द नाउन इन द ब्रैकेट्स बिसाइड दैम, जो आपकी ब्रैकेट्स है इनमें आपको जेंडर लिखना है। राइट एम फॉर मैस्कुलिन, एफ फॉर फेमिनिन, सी फॉर कॉमन एंड एन फॉर न्यूट्रल। तो माई आंट, आंटी आपकी कौन है, एफ है, ही इज ए डॉक्टर, डॉक्टर में सी आएगा, सी लाइव्स विद हर ब्रदर, तो ब्रदर आपका क्या हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, हु इज द हेडमास्टर, हेडमास्टर आपका एम हो जाएगा ऑफ ए स्कूल, माय आंट लाइक्स टू ड्रॉ पिक्चर्स, इस तरीके की आपको ये सॉल्व करनी है। नेक्स्ट आप देखिए, रीराइट द दिस सेंटेंस इन यूजिंग नाउन ऑफ द कॉमन जेंडर फॉर द वर्ड्स इन कलर, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, ये जो कलर में वर्ड्स दे रखे हैं इनको आपको वैसे किसने करना है, कॉमन जेंडर में। ऐसे मिसेस सेन सन एंड डॉटर्स आर प्लेइंग फुटबॉल, तो मिसेस सेन सन और डॉटर का कॉमन जेंडर क्या होता है, चिल्ड्रन, तो आपको चिल्ड्रन आया जाए। ऐसे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर का कॉमन जेंडर क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, इस तरीके से आपको ये कॉमन जेंडर में चेंज करके आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है। ओके, थैंक यू क्लास।